खुशियों के दीप तो हैं सभी जलाते, रोशनी वालों के लिए उजाला भी है लाते। नहीं देखी जिनने दुनिया की रंगीनी, उन अंधेरों में हम रोशनी के कदम हैं बढ़ाते। रोशनी हर किसी को प्यारी लगती है, क्योंकि वह रोशनी ही है जिससे हम दुनिया के सारे रंग देख पाते हैं। हम यानी जिनके पास दो आंखें हैं, दृष्टि है, पर कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे प्यारे भारतवर्ष में 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जो आंखें रहते हुए भी कुछ देख नहीं पाते। यही कारण है कि भारत सरकार ने अपने विजन 2020 में 0.8% राष्ट्रीय दृष्टिहीनता को घटाकर 0.3% पर लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। फिर हम जैसे ही अपने राज्य झारखंड की बात सोचते हैं तो समस्या और गंभीर दिखाई देती है, क्योंकि इस राज्य के लोगों में ऐसी दृष्टिहीनता का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से 2 गुना यानी लगभग 1.4% है। समस्या की इस गंभीरता को महसूस किया समाज के कुछ सजग प्रहरियों ने और फिर इस मुहिम को अपने हाथों में लेकर आगे चल पड़ा कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल एक नए उजाले की ओर। सन 1991 में डॉक्टर भारती कश्यप और डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद कश्यप ने कश्यप मेमोरियल आई बैंक एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की। इस आई बैंक को अब तक 6000 से ज्यादा नेत्रदान के आवेदन मिल चुके हैं, जिनमें राज्य के कई महत्वपूर्ण और गणमान्य लोग सम्मिलित हैं। कुल 278 नेत्र प्राप्त भी हो चुके हैं और उनमें से 225 का प्रत्यारोपण भी किया जा चुका है। यह इस अस्पताल के लिए गौरव की बात है कि संयुक्त बिहार में जब पहला नेत्र प्रत्यारोपण हुआ तो वह स्वर्गीय डॉक्टर भरत प्रसाद कश्यप के हाथों हुआ, और उसी मरीज के दूसरे नेत्र का प्रत्यारोपण भी इसी अस्पताल में हुआ। मेरा नेत्र प्रत्यारोपण कश्यप आई हॉस्पिटल के डॉक्टर बीपी कश्यप के पिता स्वर्गीय भरत प्रसाद कश्यप द्वारा सन 1981 में किया गया था, जो कि संयुक्त बिहार का यह प्रथम नेत्र प्रत्यारोपण था। आज यह अस्पताल देश दुनिया की आधुनिकतम तकनीकों से लैस होकर राज्य की प्रमुख नेत्र चिकित्सा इकाई के रूप में स्थापित है। आरंभ से ही इस अस्पताल ने नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में हुई हर तकनीकी प्रगति को आगे बढ़कर अपनाया है और चिकित्सा संस्थानों की क्वालिटी की सर्वोच्च मान्यता NABH प्राप्त कर दिनांक 16 फरवरी 2009 को पूर्वी, पश्चिमी एवं उत्तरी भारत का पहला NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी नेत्र अस्पताल बना। शायद इसीलिए आज इस अस्पताल के पास ऐसे गौरवशाली पलों की अशेष स्मृतियां भरी पड़ी हैं। तब यह अकारण नहीं था कि झारखंड राज्य के दृष्टिहीनता की इस गंभीर समस्या से निजात पाने के लिए हुई इस पहल को ऐसे सक्षम अस्पताल का साथ मिलता। इस पहल की शुरुआत हुई सारंडा से, केंद्रीय मंत्री माननीय श्री जयराम रमेश की पहल पर जिला प्रशासन, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी तथा कश्यप मेमोरियल आई अस्पताल के संयुक्त प्रयास से 26 जनवरी 2013 को सारंडा में वृहत नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित हुआ। शिविर में उपस्थित हुए 1000 रोगियों में कॉर्निया जनित दृष्टिहीनता 4% तक पाई गई, जबकि 2% मरीजों में विटामिन ए की कमी पाई गई। विटामिन ए की कमी को दूर कर कॉर्निया जनित दृष्टिहीनता को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। शिविर में जिस बात पर सहज ही ध्यान गया वह था छोटे बच्चों में मोतियाबिंद तथा कॉर्निया जनित दृष्टिहीनता का पाया जाना। जब सारंडा के इस शिविर में सुदूर सौदा गांव से श्री बलराम गोप अपने 4 बच्चों को लेकर आए तो स्थिति काफी कारुणिक हो गई, क्योंकि श्री गोप के भरे पूरे परिवार में ये चारों ही बच्चे दोनों आंखों में मोतियाबिंद से ग्रसित पाए गए। उन 4 बच्चों को सारंडा शिविर में पूर्ण जांच के उपरांत कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल लाया गया तथा 22 वर्षीय सुधीर तथा 6 वर्षीय
रुपेश के दोनों आंखों के मोतियाबिंद का उन्नत फेको पद्धति से ऑपरेशन कर उनमें आधुनिकतम फोल्डेबल लेंस प्रत्यारोपित किए गए। सारंडा एक्शन प्लान में गांव के 10 बच्चों के आंखों का ऑपरेशन किया गया। यही कारण है कि इस पहल के दूसरे कदम पर जब माननीय मंत्री उपस्थित हुए तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा, रांची के जो आंख के डॉक्टर हैं भारती कश्यप जी, उन्होंने मनोहरपुर जो सारंडा इलाके में है, पश्चिमी सिंहभूम जिले में, वहाँ एक बहुत बड़ा आंख का कैंप खुला था। बुजुर्ग महिलाएं आए और बच्चे भी आए, एक ही परिवार के चार कोई भी देख नहीं पाए, स्कूल निकाले गए थे क्योंकि कोई पढ़ नहीं सकते। भारती कश्यप जी ने उनका इलाज करवाया और कुछ महीने पहले झारखंड के राज्यपाल और मैं रांची में एक शानदार समारोह में उन चार बच्चों को हमने मेहनत पहना और आज वो चार बच्चे स्कूल जा रहे हैं। और फिर सरयू एक्शन प्लान के गांव के बच्चों की 16 आंखों का ऑपरेशन किया गया। बच्चों की आंखों का मोतियाबिंद गंभीर चुनौती है जिसे कठिन शल्य क्रिया द्वारा ठीक किया जा सकता है। बच्चों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन में बड़ों से ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है। इनका आईबॉल काफी लचीला होता है, छोटे छिद्र से ऑपरेशन मोतियाबिंद की पिछली लचीली झिल्ली को काटना एवं विट्रेक्टॉमी आदि अन्य शल्य प्रक्रिया इसे बड़ों की मोतियाबिंद की सर्जरी से भिन्न एवं कठिन बनाती है। सेकेंडरी कैटरेक्ट, सुस्त आंख, टेढ़ी आंख से बचाव के लिए गहन निगरानी की आवश्यकता होती है। बच्चों का ऑपरेशन एकदम उन्नत शल्य क्रिया एवं NABH के मापदंड के अनुसार कार्यरत सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में ही होना चाहिए। बचपन बचाने के लिए सरकार को सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के साथ सहभागिता निभानी होगी। मोतियाबिंद की यह समस्या कितनी गंभीर है इसे इस बात से ही समझा जा सकता है कि सारंडा शिविर में उपस्थित 1000 रोगियों में से 325 यानी कि 32.5% मरीज मोतियाबिंद से ग्रसित पाए गए। सरयू एक्शन प्लान के गांव के लिए लगाए गए शिविर में 24.3% मरीज मोतियाबिंद से ग्रसित पाए गए। हॉस्पिटल के द्वारा सारंडा एक्शन प्लान के गांव के 250 लोगों एवं सरयू एक्शन प्लान के गांव के 200 लोगों का ऑपरेशन 4 चरणों में अत्याधुनिक फेको पद्धति द्वारा सूक्ष्म छिद्र से करके उनमें उन्नत फोल्डेबल लेंस का प्रत्यारोपण किया गया। सारंडा एवं सरयू एक्शन प्लान के गांव के निवासियों को लौह अयस्क उत्खनन के कारण सूखे तथा धूल भरे वातावरण में रहना पड़ता है। इससे उनकी आंखों में गंभीर नखूना रोग की शिकायत हो जाती है। सारंडा एवं सरयू एक्शन प्लान के गांव में 2.2% लोगों में नखूना की शिकायत भी पाई गई और उनका इलाज जटिल ऑपरेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए आधुनिक उपकरणों एवं दक्ष हाथों से किया गया। सारंडा की सफलता से उत्साहित केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री माननीय श्री जयराम रमेश जब कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल के कार्यक्रम में पधारे तो उन्होंने दूसरे चरण में ऐसा ही एक नेत्र चिकित्सा शिविर लातेहार जिले में लगाने की चुनौती रखी। नाम दिया सरयू एक्शन प्लान विलेजर्स मेगा आई कैंप। और फिर आया 30 जुलाई 2013 का ऐतिहासिक दिन जब भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से लातेहार में सरयू एक्शन प्लान के गांव के लोगों के लिए 1 माह के शिविर का शुभारंभ हुआ। यह वो समय था जब इस क्षेत्र में नक्सली अपना शहादत सप्ताह मना रहे थे और उन्होंने 1 सप्ताह के बंद का आह्वान भी कर रखा था। इस शिविर की सफलता के लिए माननीय मंत्री महोदय ने न सिर्फ प्रेरणादायक बातें कही बल्कि वहाँ मौजूद अस्पताल कर्मियों का मनोबल भी बढ़ाया। फिर आरंभ हुआ इस महायज्ञ का दूसरा चरण। सारंडा शिविर की तरह ही सरयू एक्शन प्लान में भी मोतियाबिंद से ग्रसित 15 से 18 साल के ऐसे युवा मिले जिनका ऑपरेशन अगर बचपन में हो जाता तो उनकी आंखें बचाई जा सकती थी, क्योंकि बच्चों के ब्रेन विजन सेंटर को विकसित करने के लिए 8 साल तक दृष्टि का सही रहना आवश्यक होता है। अफसोस की बात है कि ऑपरेशन के बावजूद ऐसे युवाओं की आंखों में
अंडर डेवलप्ड ब्रेन विजन सेंटर की वजह से पढ़ने लिखने के लायक रोशनी नहीं आ पाती है। शिविरों में यह भी पाया गया कि कई ऐसे लोग भी मोतियाबिंद से ग्रसित हैं जो कामकाजी उम्र के यानी 35 से 45 वर्ष के हैं, लेकिन इस बीमारी के कारण परिवार चला पाने में असमर्थ हो चुके हैं। इन दोनों शिविरों से जो बात चिंताजनक रूप से उभर कर सामने आती है वह है बच्चों यानी 16 वर्ष से कम की अवस्था में दृष्टिहीनता। यह एक गंभीर चुनौती है। 28% बच्चों की दृष्टिहीनता का इलाज मोतियाबिंद का ऑपरेशन करके एवं चश्मे की जरूरत वाले बच्चों को चश्मा उपलब्ध कराकर किया जा सकता है। देश में 2,26,440 बच्चे चश्मे की जरूरत की वजह से अंधे हैं। सारंडा की तरह सरयू एक्शन प्लान के 114 गांवों के सभी सरकारी स्कूलों के बच्चों को इस नेत्र शिविर में बुलाया गया जिनको दृष्टि दोष था, और जिन बच्चों को चश्मे की जरूरत थी उन्हें कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल में बुलाकर उनकी चश्मे की जांच की गई और इन बच्चों को उन्नत किस्म के चश्मे भी उपलब्ध कराए गए। इसके अलावा जिन बच्चों में विटामिन ए की कमी थी उन्हें शिविर में विटामिन ए की गोलियां भी दी गई, क्योंकि शुरुआती दौर में ही विटामिन ए की कमी की पहचान करते हुए विटामिन ए की गोलियों की खुराक देकर 15% बच्चों की दृष्टिहीनता का पूर्ण इलाज संभव है। सरयू एक्शन प्लान के गांव एवं सारंडा एक्शन प्लान के गांव में कुछ ऐसे बच्चे भी मिले जिन्हें मोतियाबिंद था मगर उनकी आंखें जन्म से ही पूरी तरह विकसित नहीं थी। ऐसे बच्चों की आंखों से मोतियाबिंद हटाने के बाद भी पढ़ने लिखने लायक रोशनी लाना असंभव था। जन्म से अर्ध विकसित आंखों की वजह है गर्भावस्था में टॉर्च वायरल इन्फेक्शन का होना, गर्भावस्था में मां को पौष्टिक आहार का न मिलना और अनुवांशिक कारण। वस्तुतः दृष्टिहीनता एक बड़ी समस्या है। सरयू एक्शन प्लान के अंतर्गत चले इस शिविर में ऐसे बच्चों के इलाज पर विशेष ध्यान दिया गया और आधुनिकतम तकनीक से जटिलतम ऑपरेशन करके उन्हें चलने फिरने के योग्य दृष्टि दी गई। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री माननीय जयराम रमेश की प्रेरणा एवं भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से कश्यप मेमोरियल आई बैंक इस दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है और अब झारखंड में तीसरी चुनौती को भी स्वीकार कर चुका है। अभी मैंने भारती जी को तीसरा निमंत्रण दिया है। 29 अक्टूबर को वो पलामू जाएगी, पलामू में एक कैंप लगेगा और जो इन्होंने मनोहरपुर में किया है और लातेहार में किया है वो पलामू में भी करके दिखाएंगे। रोशनी के लिए आगे बढ़े इन कदमों को अभी विराम नहीं है, क्योंकि उजाले की ओर बढ़ते कदमों की आंखों में अभी ढेर सारे सपने शेष हैं।